नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। फेसबुक पक्षपात मामले ने तूल पकड़ लिया है। दरअसल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी थी जिसमें ये कहा गया था कि किस तरीके से फेसबुक ने जो बीजेपी है या आरएसएस है उनके कार्यकर्ताओं की जो हेट स्पीच होती है उसको इग्नोर करता है, उसको हटाता नहीं है। और इसी बात को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी उसको टैग करते हुए एक ट्वीट किया था कि फेसबुक और व्हाट्सएप पक्षपात करते हैं और हेट स्पीच को प्रसारित करते हैं, पर्टिकुलरली बीजेपी का फेवर करते हैं। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा। सामने आए रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मिनिस्टर हैं, और उन्होंने जवाब दिया कि एनालिटिका का मसला भूल गए राहुल गांधी, जब चुनाव से पहले किस तरीके से साजिश रची थी उन्होंने कि कैसे आंकड़ों का इस्तेमाल करके और बढ़त ली जाए, और खुद वो दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल अभी आरोप प्रत्यारोप चल ही रहे थे कि इसी बीच में फेसबुक की तरफ से एक सफाई आई कि जब हम नीति बनाते हैं तो उसमें पार्टी और व्यक्ति नहीं देखते हैं, किसी को देख करके नहीं बनाई जाती है, अपनी नीतियाँ हम अपने आप बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन जो ताज़ी खबर है वो बड़ी खबर है कि यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर के एक तरह से हेड है, जो पॉलिसी बनाते हैं आखी दास फेसबुक के, वो उन्होंने जो है एक FIR लॉज कराई है दिल्ली पुलिस के सामने, और उनको जिसमें जान से मारने की धमकी और कई शिकायतें हैं उनकी, उसमें जो है दिल्ली पुलिस ने FIR लॉज करके और जांच शुरू कर दी। अब सवाल ये है कि आखी दास को किसने उसमें उन्होंने नेम्ड FIR कराई है, जिसने उनको धमकी दी वो कौन लोग हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, या उनका अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, ये देखना पड़ेगा, दिल्ली पुलिस के जांच से पता चलेगा। लेकिन जो ये डिस्प्यूट है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टीज करती है, स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में होता है वो सत्ता का असर होता है, और बीजेपी पे यदि आरोप लग रहा है, राहुल गांधी लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी अपनी एनालिसिस होगी। लेकिन एक बात क्लियर कर दें कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, हर कोई सोशल मीडिया का सहारा लेती है, उसमें कई बार झूठ भी प्रचारित किया जाता है, कई बार अफवाहें भी प्रचारित की जाती है और अपने फेवर में माहौल बनाया जाता है। लेकिन FIR तक की नौबत क्यों और कैसे आई, क्या वास्तव में ये सीरियस थ्रेट है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे इसमें कोई और अपडेट मिलता है हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और...